कैथल शूटिंग वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष मंटोर की राम राम। आज अपने साथ हैं शूटिंग वॉलीबॉल के टॉप नेट परम चैनल। तो भाई जी, सबसे पहले तो आपका अपने चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका। भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम परमजीत है वैसे तो, मुझे सारे परम कहते हैं। कहाँ से हो भाई आपका? मैं पंजाब चैने वाला से हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट से। भाई आपने वॉलीबॉल की शुरुआत कब और कैसे की थी? भाई मैं वॉलीबॉल की शुरुआत 2016 में की थी। तो नेट ही खेलते थे? हाँ, शुरू में नेट ही, भी बस कला ओनली। पीछे भी खेल लेते भाई? नहीं नहीं भाई, कभी नहीं खेले। कभी भी नहीं खेले भाई। भाई अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। पढ़ाई मैं भाई BPED की है, फिजिकल एजुकेशन की, संगरूर मस्तवान साहब में की है। भाई अपने नेट पर ब्लॉक करना कब शुरू किया था? शुरू से ही? हाँ भाई, शुरू से ही कर दिया था, बस गाँव खेलते खेलते बस शुरुआत कर दी थी ब्लॉक की। तो कैसी परफॉर्मेंस रहती थी भाई शुरू में? गलती भी होती थी या शुरू में ये सही था? शुरू में थोड़ा ज़्यादा सही था भाई। हाँ, अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है भाई। आपके कोई यादगार टूर्नामेंट? यादगार टूर्नामेंट तो भाई जहाँ आप अच्छा खेलो या बहुत बुरा खेलो वो याद हो टूर्नामेंट तो? मैं भाई मेरे लोकल गाँव में खेले थे, कौदियाने में टूर्नामेंट था, तो मलोट के साथ मेरा मैच लगा था। अच्छा। तो वहाँ मैं बहुत अच्छा खेला था भाई, मेरे 21 स्कोर थी भाई फाइनल मैच में। एक मैच में 21? हाँ एक। भाई अपनी हाईएस्ट प्राइज वाली कौन सी टूर्नामेंट जीती है? मैं भाई नवाब मैड़ खुद के गांव में, मैड़ खुद में जीती है 41,000 थी। भाई अब बेस्ट में क्या क्या जीत चुके हो? बेस्ट में भाई मैं जीत चुका हूँ, साइकिल भी जीत चुका हूँ, तो 4-5 प्रेसा जीत चुका हूँ, तो 2-3 फोन है, तो और बस कैश प्राइज ज़्यादा है थोड़ा। भाई नेट पर ब्लॉक किसी ने सिखाया था या खुद ही सीख रहे अपने आप या किसी ने कोई बता रहा था? बस ऐसे ही, बस एक हमारे गांव में टीम थी नाल लाग में, मतलब करीब गांव में मीरपुर की, उसका नेट यार बहुत अच्छा था, वो वाले पकड़ता, बस उसको देख देख कर बस सीख ले, बस ऐसे ही। भाई आप वॉलीबॉल के अलावा और क्या काम करते हो? बस कुछ नहीं भाई, कल खेती करते हैं वॉलीबॉल के अलावा। घर वाले फोर्स नहीं कर रहे भाई जॉब वगैरह करो? करते तो हैं भाई, लेकिन क्या करें, जॉब मिलती नहीं है भाई। आपको घर वाले का सपोर्ट कर रहे हैं खेलने में? फुल लगा रहे हैं भाई, अभी कहते हैं खेलो खेलो, कोई बात नहीं, मेरे को कभी नहीं रोका उन्होंने। कोई घर में स्पेशल बंदा भाई जो आपको ज़्यादा सपोर्ट? मेरा भाई, भाई वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, उसने कभी नहीं रोका टूर्नामेंट के लिए, कोई काम हो तो वो आप कर लेता है, कहता है कि आप टूर्नामेंट पे जाओ। भाई आपका कोई फेवरेट प्लेयर? सत्ता ही भाई। हाँ भाई। और कोई भाई? नेटो नेट भाई बूरा यूपी वाला। भाई आपकी टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है भाई और कब से? मेंडी भाई, मेंडी शर्मा। कितना टाइम हो गया भाई? एक साल हो गया, पहले जो पिछला सीजन था ना वो स्पॉन्सर किया हुआ था। तो भाई मेंडी शर्मा ने आपकी टीम को स्पॉन्सर किया भाई, तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ भाई आपकी टीम को? फ़ायदा बहुत फ़ायदा हुआ भाई, रेंट का हुआ, तो किटा भी मतलब स्पॉन्सर किया, किट वगैरह भी दी। पहले प्लेयर खेलने भी नहीं आते होंगे भाई, किराए इसी चक्कर किराए किराए का जो थोड़ा सा ज़्यादा मैटर था भाई पहले, अब कोई दिक्कत नहीं किराए की भाई, मंडी है ना, सब कुछ कर देता है, जेकर कमेटी नहीं देती तो रेंट। भाई मंडी शर्मा की तरफ से आपको मॉडिफाई मोटरसाइकिल सम्मानित किया जाना था भाई, मॉडिफाई गाड़ी दी भाई आपको, तो उसमें एक मैच में बोला भी था भाई उन्हें, क्या शर्त थी भाई वो? हमारा मैच लगा था राय सर के साथ पागो माजा चंडीगढ़ में, वहाँ बोला था अगर ये मैच जीता तो मैं इसे मतलब गड्डी से सम्मान क्यों करूँगा। कोई भी घर भाई 3 या 4 स्मैश लगाएगा उस पर? हाँ ये भी लगा हुआ था। कितनी स्मैश थी भाई उसमें? उसमें बस 2-4 ही थी भाई। जब आपने नया नया खेलना शुरू किया तो आप पहले राउंड में भी आ रहे होगे भाई, तब आपको कोई नहीं जानता होगा भाई। हाँ, आपकी टीम एकदम से उठी है भाई, तो आपको अब कैसा फील हो रहा भाई? आपको हर सब लोग जानते हैं। हाँ भाई पहले तो हम बहुत हारे हैं यार भाई, नजायज हारे हैं, पर अब बढ़िया पूरा बाबा की जी मेरा तो बढ़िया जीत रहे हैं हम। पिछला सीजन तो लगभग हम सभी जीते हैं, कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जो हरे होंगे भाई। नेट के लिए सबसे ज़्यादा स्टैमिना की जरूरत होती है भाई, क्या आप कोई स्पेशल एक्सरसाइज करते हो भाई? भाई कुछ नहीं करता, ऐसे ही बस काम खेती बाड़ी का ऐसा, बस ऐसे ही बस ग्राउंड, ज़्यादातर तो ग्राउंड ही रहते हैं भाई सुबह शाम। भाई ये कहते हैं कि जो नेट ज़्यादा खेलते हैं ना तो उनके घुटने में थोड़ा दर्द होने लगता है भाई, क्या आपको कभी ऐसा हुआ भाई? बस थोड़ा मोटा होता है जब मैच की मतलब सर्दियों में जब मैच मतलब शुरुआत करते हैं ना मैच की, उस मतलब जब होता है, ऐसे नहीं होता,
वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, शुरुआत में आती है जब मैच स्टार्ट होता है तब। भाई जैसे नेट के बॉल के पास से बॉल आती है तो आप भाई एकदम उसे स्मैश मारते हो, भाई आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि ये यहाँ से आएगी? बस भाई ऐसी दिख जाती है, बॉल नेट के करीब आ जाती है, पहले तो मेरे को बंदा ही पता लग जाता है प्लेयर का भी, ये मेरे को बॉल पकड़ाएगा, हाँ ऐसे ही पता लग जाता है। भाई आपको कुछ प्लेयरों के नाम कहूँगा, उनके बारे में भाई अपनी राय देना भाई। सबसे पहले भाई सत्ता शहबाजपुरा, सत्ता शहबाजपुरा तो ऐसा प्लेयर है भाई, मतलब भी कोई भी किसी भी कोई कैसी टीम हो वो बंदा मान के जबरदस्त खेलता है, किसी को लूज नहीं लेता, मतलब भी पूरा हौसले से खेलता है और सभी टूर्नामेंट वो जैसे पहले मैच में खेला तो ऐसे ही एंड फाइनल मैच तक खेलते ही जाएगा। किसी टीम गोल के में लेता है क्या भाई? किसी टीम गोल के में नहीं लेता जैसे, मतलब वही लेता है पूरा। अब क्यों नहीं खेल रहा भाई वो? उसका घर का काम चल रहा है, थोड़ा आगे खेलेगा। रवि भद्रगढ़ भाई, रवि भाई बढ़िया प्लेयर है मेरे साथ तो बढ़िया, हाँ मतलब फोर्स किंग मान के चलो इसको तो बहुत बहुत। अब आपकी टीम में जोंटी खेल रहे हैं भाई लगातार, जोंटी के बारे में क्या कहोगे भाई? जोंटी भाई जे सीरियस होकर खेले ना तो उसके बगैर तो मैं प्लेयर ही नहीं मानता भाई। क्या खासियत है भाई? भाई सबसे खासियत तो भाई बाल मारने का तरीका स्टाइल उसके बखरे हैं अलग से थोड़ा ज़्यादा, तो सबसे बढ़िया प्लेयर है जोंटी। शेरू डाबा भाई, शेरू डाबा तो अभी अभी आया है लेकिन है बहुत फतीला है, जबरदस्त है, हाँ हाँ जो बाल पकड़ता है उसका स्टाइल वो अलग है सभी प्लेयरों से भाई। कभी ऐसा भी तो जैसे हर प्लेयर का एक दिन होता है भाई, आपने बॉल मारने की ट्राई की हो भाई और आप एक भी ना बोल लगे हो किसी मैच में? भाई मेरा अभी पिछले टूर्नामेंट हुआ था शायद नत्थोवाल में हुआ था मोगा साइड में, मेरे पे बहुत स्मैश बनी, हम मैच जीत भी जाते, फाइनल मैच था मेरा बाजे के साथ, तो मेरे से एक भी स्मैश नहीं लगी, पता नहीं क्या हो गया भाई। तो दिन होता भाई प्लेयर का, ये सही बात है भाई। मैच हार गए भाई हम, लूज करके फाइनल मैच। भाई आपके अनुसार वॉलीबॉल में क्या क्या सुधार की जरूरत है भाई? टाइम की थोड़ी ज़्यादा हुआ एक तो, ते एक प्राइज भी होना चाहिए क्यों, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है यार भाई। तो भाई इस टाइम वाले में भाई आप प्लेयर का कसूर मानते हो या कमेटी का? इसमें दोनों की कसूर है भैया, एक का नहीं कह सकते। अगर ये कमेटी कुछ छूट दे रही है तो कमेटी मजबूरी हो जाती है गेम कराने है। हाँ नमाव के गांव में टूर्नामेंट हुआ था उसमें कमेटी ने थोड़ा ज़्यादा जबरदस्त हो गया, 9-10 बजे तो देख ला, हाँ तो अभी कमेटी भी कह रही है भी चलो आ जाओ कोई बात नहीं, ऐसी बात ये कुछ भी ला लो, तो फिर ऐसी प्लेयर भी फिर एक दो घंटा प्लेयर भी लेट हो जाते हैं भाई। जो नए प्लेयर खेलना चाहेंगे नेट खेलना चाहेंगे आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे भाई, ये नेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए भाई? भाई क्या बोलूँ मैं इसके बारे में यार, भी कुछ नेट खेल के राजी भी नहीं होते भाई। ऐसी है भाई, थोड़ा टाइम ही नेट खेलते हैं हाँ। तो बाद में तो मतलब पीछे वगैरह सेंटर वगैरह साइड वगैरह हो जाते हैं, पीछे लग गए हाँ ऐसे ऐसे हो जाते हैं भाई नेट में, कोई कोई लग कर थोड़ा होता है। तो परम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला भाई। थैंक यू भाई सो मच।